याद रखिए, यहां बैठे हुए शिक्षकों, मैं सबसे पहले आपसे बात शुरू करता हूं, आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। एक पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, जनहानि होती है, कुछ लोग मरते हैं, दुख की बात है। एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो पूरे जीवन में 100-200 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुंचने या इंद्र के पास पहुंचने की व्यवस्था करता है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से ना करे, एक अध्यापक केवल यह सोचे कि मैं वेतन के लिए काम कर रहा हूं, तो मानिए कि वैसी पीढ़ियां तैयार कर देता है तो देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। कौटिल्य के अध्यापकों, आपके पास जिम्मेदारी यह नहीं है कि कौटिल्य अकेडमी 30 साल कैसे चलेगी, 40 साल कैसे चलेगी। आप पर जिम्मेदारी यह है कि आपके यहां जितने बच्चे आए, चाहे वो सेलेक्ट हों चाहे ना हो, वो जिंदगी से भरे हुए और भारत के प्रति उत्तरदायित्व से भरे हुए पैदा हो। ये जो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बीच आ गई है, ये जो गैर जिम्मेदारी हमारे बीच आ गई है, 2011 आंदोलन शुरू होने से पहले तक मैं भी पढ़ाता था, BAMA की क्लास पढ़ाता था, और मैं देखता था कि मेरी कॉलोनी में रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी या एक छोटा सा व्यापार करने वाले आदमी के चेहरे पर जितनी हनक, जितनी तेजस्विता, जितना गौरव बोध, अपने काम के प्रति जितना उत्सुक भाव होता था, उतना अध्यापकों में नहीं होता था। क्योंकि आप इस बात से मत तोलिए खुद को कि आपको वेतन कितना मिलता है, आप इस बात से मत तोलिए कि आपको विधायक जी जानते हैं कि नहीं जानते, उषा जी आपकी मंत्री हमारी बड़ी बहन आपको जानती है कि नहीं जानती है, आप इस बात से तोलिए कि ये सब लोग ट्यूबलाइट में कनेक्शन लगाने का काम करते हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक दीपक से लाखों दीपक जलाने का काम करते हैं, यह आपका कौशल है। बहुत सारे अध्यापकों को यह बात लग सकती है कि कुमार विश्वास ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं कि खुद भरे पेट के आदमी हैं। बिल्कुल गलत बात। अर्थ से किसी बात की अर्थवत्ता तय नहीं होती, पैसे से किसी बात की चीजें तय नहीं होती हैं, और अगर अर्थ से चीजें तय होती तो यहां हिस्ट्री तो सब लोग पढ़ते हो, इतिहास तो सब लोग पढ़ते हो, जितने इतिहास के विशेषज्ञ बैठे हो या गुरुजन बैठे हो मुझे याद करके बताएं, पूरे 1000 साल में 2 सेठों के नाम बता दो, पूरे 1000 साल के भारत के इतिहास के सेठों के नाम पता नहीं है तुम्हें, 14वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सेठ कौन था दिल्ली का पता नहीं है, 16वीं शताब्दी में इंदौर का सबसे बड़ा सेठ कौन था पता नहीं है, केवल 2 सेठों के नाम इस देश को याद हैं, एक अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप के लिए अपने पूरे खजाने को खोल देने वाला भामाशाह, और एक स्वतंत्र भारत की लड़ाई में गांधी के पीछे अपना धन लगा देने वाले बिड़ला जी, केवल 2 सेठों के नाम याद है। इन 2 सेठों के नाम भी क्यों याद है? इन 2 सेठों के नाम इसलिए याद है कि इन दोनों सेठों ने अच्छे काम के लिए अपने पैसे को लगाया, इसलिए नहीं कि उन्होंने पैसा बहुत कमाया। ब्रांड के लोग मुझसे कहते कि फला प्रोग्राम में चले जाइए टीवी में, फला काम कर लीजिए, रेस्टोरेंट खोल दीजिए, तो मैं कहता हूं ये मेरा काम ही नहीं है। एक दो काम मैंने ऐसे किए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, उनका पश्चाताप आज तक पूरा नहीं हो रहा मुझसे। ईश्वर ने तय कर दिया, नियति ने तय कर दिया, मुझे कहकर भेज दिया कि कुमार विश्वास तुम्हें मैं विशेष कृपा से नवाज रही हूं बेटा, मैं तुम्हें समय अवसर के अनुकूल बात याद आने का कौशल सौंप रही हूं, मैं उसको कह सकने की शब्दावली तुम्हें दे रही हूं, और मैं बिना किसी सत्ता से भयभीत हुए, बिना किसी व्यक्ति के प्रभाव में आए, देश की, राष्ट्र की, लोकतंत्र की और मनुष्यता के हित में बोलने वाला कलेजा भी दे रही हूं। तो जो काम भगवान ने मेरे लिए तय किया है, अगर उसमें मैं ज्ञान अपना लगाऊं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन। इसलिए जितने भी बच्चे यहां तैयारी कर रहे हैं, और आज जितने बच्चे जिनकी नौकरी लगी है, अगर आपसे ईश्वर को कुछ और कराना होता, अगर पैसे ही कमवाने होते तो 10वीं पास लोग पैसे कमाते हैं, 12वीं पास लोग 2000 करोड़ के टर्नओवर का काम करते हैं। आपको पढ़ा लिखा कर कौटिल्य एकेडमी में आपने 1 साल भर पढ़ाई की, 2 साल पढ़ाई की, इसके बाद आपको जज इसलिए बनाया गया है, इसके बाद आपको SP इसलिए बनाया गया है, इसके बाद आपको कलेक्टर इसलिए बनाया गया है कि इंदौर के किसी कोने में, देवास के किसी कोने में
भारत के किसी कोने में जहां आपकी नौकरी लगे, वहां एक छोटी सी ढाणी में भी रहने वाला एक आदमी, झोंपड़ी में रहने वाला आदमी भी जब आपके द्वार पर न्याय मांगने आए, तो इस कौटिल्य अकादमी की शिक्षा याद रखना। मुझे आश्चर्य होता है, आईएएस के घर में पैसे निकले तो एक हफ्ते तक तो गिनती लग गई, एक हफ्ते तक गिनती हुई, नोट नहीं गिने गए। ये क्या देश बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल जो बीज जड़ में जाना चाहिए वो ठीक नहीं चल रहा। ये जो देश के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है, ये केवल अध्यापक कर सकता है।